इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आज कुछ ना कुछ आप ऐसी ट्रिक सीखने वाले हो जो कि कहीं ना कहीं आपके टाइम को भी बचाने की कोशिश करेगी और आपके पेपर को इजी करने का मैं भी हेल्प करेगी। तो फटाफट आप इस सेशन में ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे सेशन में ऐड हो चुके हैं वो एंड तक बने रहिएगा जिससे कि आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ पाए, ठीक है। तो करें बेटा आज का हमारा आज का अपना सेशन स्टार्ट, और पहला क्वेश्चन आज का क्या है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पर जब आप नजर डालते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका है, ए और बी मिलाकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को बेटा कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, और बी और सी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, जबकि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में फ्री करते हैं। तो बताओ ए और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपने क्वेश्चन को तो पढ़ा, अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है आपको ये समझना है। कौन कौन आ चुका है, मनीषा अवस्थी गुड मॉर्निंग, कुलदीप महावर गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे क्वेश्चन ने बोला कि ए और बी, आप पहले डेटाओं को समझो, ए और बी ने उस काम को 8 दिन में फ्री किया, और बी और सी की यदि हम बात करें तो बी और सी ने उस काम को 12 दिन में किया जैसा क्वेश्चन ने बोला। अब बेटा जब तीनों को पता लग गया तो क्वेश्चन ने ये भी बोला कि तीनों ने मिलकर उस काम को कितने दिन में फ्री किया, तीनों ने मिलकर उस काम को फ्री किया 6 दिन के अंदर। तो आपसे पूछा ए और सी ने मिलकर उस काम को कितने दिन में किया, आपसे पूछा गया ए और सी का। तो अब एक बात बताओ, यदि आप इन दोनों डेटाओं को जोड़ देते हो तो यहां से डेटा क्या निकल के आ रहा है, आपका ए प्लस बी प्लस सी तो आ ही रहा है, प्लस में बी और एस्ट आ रहा है, राइट, यही तो केस बन रहा है। तो आप इसको यू भी बोल सकते हो, तो ये ग्रुप के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है कि 6 दिन में, और इन दोनों का और पता लग जाए तो अपना काम हो जाएगा, राइट है ना। तो आपको जब भैया ये सिस्टम समझ में आएगा इस तरह से डेटा को अप्रोच कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुष्पेंद्र गुड मॉर्निंग भाई, 8 और 12 का आप एलसीएम लो, 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 24, 8 के हिसाब से ये काम होगा 3 और 12 के हिसाब से काम होगा 2, मतलब दोनों ने मिलकर यहाँ टोटल जो काम किया वो काम किया 5, इंडिविजुअल बात पता लग गई, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कि दोनों मिलकर 5 काम, और पूरा कंप्लीट की बात करेंगे तो कंप्लीट काम को करने में ये 24/5 दिन में पूरा करेंगे। इसका मतलब आप यू कह सकते हो कि दोनों ने मिलकर उस काम को 24/5 दिन में पूरा किया। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब इसी के अंदर आपको ये बोला गया है कि एबीसी जो है, एबीसी जो है उस एबीसी ने उस काम को 6 दिन में किया। अब आप बताओ 24 और 6 का एलसीएम तो 24 आएगा, जब भाग देंगे यहाँ 5 आएगा, यहाँ भाग देंगे तो आपका कितना आएगा 6 आएगा, 4 आएगा, 6 का तो भाग देंगे ना अपन, तो 6 4 24। अब आप बात समझना, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है, अब दो लोग मतलब दो लोग मिलकर 5 काम करते हैं और एक अकेला उसमें 4 काम करता है। तो बी के यदि पर्सनली बात की जाए बी की, तो बी अकेला कितना काम करेगा 1, और जब बी अकेला 1 काम करेगा तो आपको इससे ये तो आइडिया लग गया ना भाई, बी अकेला 1 काम करेगा तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी कंप्लीट काम करने में 24 दिन लेगा। बी कंप्लीट काम करने में कितने दिन लेगा, 24 डेज। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो भैया अकेला तो 24 दिन आता, बट क्वेश्चन ने क्या पूछा, ए और सी मिलकर। अब तुम बताओ यदि ए बी सी में से यदि आपको बी का ये पता लग गया कि 24 दिन में करेगा, तो आपको ए और सी का पता लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा। अगेन 6 और 24 का एलसीएम ले लीजिए आप, 6 और 24 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24, यहाँ डेटा आपका 4 और यहाँ डेटा आपका 1, तो इसका मतलब दोनों मिलकर काम कितना कर सकते हैं 3, तो 3 के हिसाब से कितना टाइम लेंगे कि काम कितना है 24, तो इस प्रकार आपको जो टाइम लगा वो कितने दिन लगा है 8 दिन, और 8 दिन हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फटाफट क्वेश्चन का आप आंसर निकाल लीजिए, और किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है कोई भी दिक्कत है तो पूछेगा, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
2/3 भाग 8 दिन में करता है, जबकि बी 3/5 भाग 6 दिन में करता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में फ्री करेंगे? देखो, जब भी आपको डेटा ऐसे दिया जाए तो पहले आप कंप्लीट काम निकालोगे। ए और बी ने 2/3 भाग 8 दिन में किया, तो कंप्लीट भाग करने में तो 8 में 2/3 का भाग दिया, और जैसे 2/3 का भाग दिया तो भैया ए और बी ने मिलकर उस काम को 12 दिन में किया। आपका पहला डेटा तो ये क्लियर हुआ। अब और आगे देखें, बी और फिर बोला गया, सॉरी ए और बी ने नहीं, ये तो ए ने बोला केवल, फिर आगे बोला है आपको बी। बी जो है 3/5 काम 6 दिन में करता है, तो भैया कंप्लीट काम करने में तो 6 में आप 3/5 का भाग देंगे, तो कंप्लीट काम करने में कितने दिन लगे? 10 दिन। तो आपको ये पर्सनल आइडेंटिटी का पता लग गया कि यार ए अकेला काम करेगा तो 12 दिन लगेंगे और बी अकेला काम करेगा तो 10 दिन लगेंगे। अब ए का आपको 12 दिन का और बी का आपको 10 दिन का जब पता लगा, तो अब आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब उसने ये नहीं कहा कि काम में कितना काम, जब ये नहीं कहा जाए कि काम में कितना काम, तो आप हमेशा उस काम को मानेंगे पूरा काम। अब पूरे काम की बात हो रही तो अब आ गया, बस सुनो, तो बोलो 12 और 10 का आप क्या लोगे? एलसीएम। तो भैया 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 5 60 और 10 6 60। ओके, तो 6 और 5 क्या हुआ? 11 काम हुआ। अब 11 काम करने वाले कितना टाइम लेंगे? तो काम तो 60 करना है, तो इसके हिसाब से आपने जब टाइम निकाला तो टाइम बराबर आया आपका 60/11, और 60/11 का मतलब है 5 सही 5/11, और 5 सही 5/11 आपके कौन से ऑप्शन में बेटा? 5 सही 5/11 है आपके बी ऑप्शन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है। अवस्थी बी ऑप्शन, मनीषा बी, कुलदीप बी, बिल्कुल राइट। बाकी लोगों आंसर दो भाई। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको परसेंटेज को लेकर कुछ बोला गया है। अच्छा, परसेंटेज को लेकर बोला गया है तो आप इसको भी समझने की कोशिश करना। पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है, क्यों? उसी काम का 40% 145 दिन में समाप्त करता है। भाई 40%, ठीक है, ओके। जबकि आर उस काम का 1/3 भाग 13 दिन में, और एस 1/6 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो कौन सबसे पहले काम को खत्म करेगा? आपसे केवल यह क्वेश्चन की एक्यूरेसी पूछी गई है कि भैया किसकी स्पीड ज्यादा है। तो सुनो, आप सिंपल पी के बारे में बोलो, पी ने 1/4 भाग यदि 10 दिन में किया, तो कंप्लीट की जब आप बात करोगे तो कंप्लीट वाले केस में ये उस काम को 40 दिन में करेगा। आप क्यू के बारे में बात करेंगे तो क्यू का 40% भाग 145 है, तो 40% भाग आपका 145 दिन का है, तो आप बोलेंगे 145/40% इंटू 100 2 2 4 2 5 10, और जब आपने इसको किया तो 5 5 25 14 5 70 2 72/2, और यहां आपने बताया कि 2 3 6 1 312.5 आर 1/3 भाग, यदि आर 1/3 भाग आपका कितने दिन में कर रहा है? 13 दिन में, तो आप खुद ही बता दीजिएगा 13 × 3 आर उस काम को कितने दिन में करेगा? 39 दिन में। और यदि आप एस की बात करेंगे तो बेटा एस के लिए क्या बोला गया है? 1/6 भाग, तो 1/6 भाग आपने पूरा किया है 7 दिन में, तो 7 × 6 42 दिन,
अब क्वेश्चन ने बोला है कि सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा। सबसे पहले का मतलब है सबसे जल्दी काम कौन खत्म करने वाला है। अब सबसे जल्दी आप देख लो, ये 40 दिन दे रहा है, ये 312, ये 39, 42। तो आर ने सबसे पहले काम फ्री किया, और इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका निकल के आ जाएगा सी। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देखते हैं कितने बच्चों का सी आंसर आया। फटाफट बेटा क्वेश्चन का आंसर दो और बताइए सी आंसर कितने लोगों का है। सी आंसर इज द राइट आंसर। सी जो आंसर है वो आपका एकदम राइट आंसर है। तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा, दो व्यक्तियों ने ₹1400 में एक काम को करने का ठेका लिया। उनमें से इस काम को 7 दिन में कर सकता है। उनमें से एक व्यक्ति जो है वो तो 7 दिन में कर सकता है, और जो दूसरा है वो कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। क्लियर। अब आगे क्या बोला, एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम को खत्म कर दिया, तो बताओ लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। अब एक बात समझो, मतलब जो इन्होंने कंप्लीट ठेका लिया ए बी ने, वो ₹1400 का लिया। पहला पॉइंट तो ये कि ए और बी ने मिलकर ₹1400 में काम करने का ठेका लिया। अब भाई ₹1400 में काम करने का ठेका तो ले लिया, पर आगे क्या बोला है कि ए उस काम को 7 दिन में करता है। तो एक दिन का यदि आप वर्क निकालोगे तो एक दिन का वर्क ए का जो निकल के आएगा वो 1/7 भाग आएगा, बी का आप निकालोगे तो वो 1/8 भाग आएगा। पर 3 दिन तक इन्होंने काम किया तो 3/7 काम तो इसने किया और 3/8 काम इसने किया। तो आप इनका एलसीएम लो। एलसीएम जब लोगे तो 3 कॉमन ले लो, यहाँ 7 8 56 बोल दो, तो ये 7 का भाग देंगे 8 बार, 8 का भाग देंगे 7 बार। तो तुम देखो 8 और 7 15, और 15 3 45, 45/56 काम तो इन्होंने कर दिया। तो शेष काम जो है वो लड़का करेगा, और शेष काम जो लड़का करेगा तो आप बोलोगे भैया शेष काम करने के लिए आप सीधे 56 में से 45 घटा दो, तो वो आएगा 11/56। अब जो जितना काम करेगा उसको पैसा उसी के रेशियो मिलेगा। तो अब इसका मतलब ये रहा कि जो आपका लड़का है, शेष काम जिस लड़के ने किया, उस लड़के को टोटल पेमेंट का 11/56 हिस्सा मिलेगा। कौन सा हिस्सा मिलेगा, 11/56। कुलदीप महावर वापिस। भाई कुलदीप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो वापिस। तो आप 1400 × 11/56 कर लीजिएगा। 14 × 14, 14 4 56, और 25 400। 25 को जब 11 से गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा ₹275। और 275 कौन से ऑप्शन में है, आपके सी ऑप्शन में। तो इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो सी आंसर आपका एकदम सही है। तो फटाफट बेटा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आपको ये बात क्लियर, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन। यदि कोई कंफ्यूजन नहीं है तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपसे फिर वही सिंपल एक बात, देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है। ए जो है 7 घंटे प्रतिदिन काम को 6 दिन में काम करता है। तो देखो इसके हिसाब से ए ने जो काम किया वो 42 घंटे में पूरा किया। भाई 6 घंटे पर डे करेगा और 7 घंटे के करेगा तो 6 7 42। फिर जबकि बी उतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। उतने ही घंटे का मतलब यह है आपका 7, और 8 दिन में वो फ्री कर रहा है तो 7 8 56। तो बी ने उसी काम को करने में कितने लिए, 56। यदि इनका समय समान है तो आप यू भी कह सकते हो कि वो 6 घंटे में, वो 6 दिन में थे 8 दिन में, ठीक है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे यदि प्रतिदिन काम करें तो कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो पहले आप बेटा सबसे पहले इसका क्या लो, एलसीएम लो। बेटा जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आपका जो आएगा
वो आपका एलसीएम आएगा 24 × 7। इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका आ जाएगा 24 × 7। क्यों 24 × 7 का मतलब क्या हुआ 168। ठीक है, अब आप अब जैसे बेटा आप 42 का भाग देंगे तो आपका 42 का भाग जाएगा 7 × 6 = 42 और 6 × 4 = 24 चार, और जब इसमें भाग दोगे तो 8 × 8 = 56 और 8 × 3 = 24। ये एक दिन में चार काम करेगा तो ये एक दिन में तीन काम करेगा। अब क्वेश्चन ने बोला कि दोनों मिलकर, भाई दोनों मिलकर बोला तो 4 + 3 कितना काम हुआ, आप बोलोगे सर 7 काम हुआ। तो 7 काम करने वाला कितना टाइम लेगा, 7 काम करने वाला कितना टाइम लेगा, जबकि जो काम है काम तो आपका 24 × 7 है। काम तो कितना है 24 × 7, तो भैया 24 × 7 के हिसाब से आपने बोला कि सर 7 से तो 7 को काट दो, 24 घंटे में उस काम को पूरा करेगा। बट डील ये है कि एक दिन में 8 घंटे काम करें, तो 8 घंटे पर डे के हिसाब से कितने दिन और रिक्वायर्ड है कि काम तो आपको 24 घंटे का है। तो इस प्रकार आपका जो दिन लगे वो आपके लगे 3 दिन। तो कुल मिलाकर आपको जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो कितने लगेंगे बेटा 3। तो 3 दिन में उस काम को वो समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार का यदि कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। ठीक है, चलो अब इसके आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 घंटे में समाप्त करता है। देखो उसी पर बेस है, 5 घंटे के हिसाब से 8 दिन में तो कितने घंटे 40 घंटे, जबकि बी 6 घंटे के हिसाब से कितने दिन में 10 दिन में। बी 6 घंटे के हिसाब से 10 दिन में मतलब कितने घंटे काम करता है 60 घंटे काम करता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, अब तुम सबसे पहले ये तो पता करो कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे। तो आप इसका एलसीएम लो, वो 120 आएगा। 120 में जैसे 40 का भाग दिया वो 3 काम आया, और 60 का भाग दिया तो 2 काम आया। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या डेटा बोला है। अब जब आपको ये पता लगा कि भाई दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, तो आपने बोला कि 5 काम करने वाले कितना टाइम लेंगे, 5 काम करने वाले कितना टाइम लेंगे, तो काम तो 120 है। तो जैसे आपने 5 का भाग दिया तो आपका जो टाइम निकल के आया 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 20, 24 घंटे निकल गया। कितने घंटे आया 24। अब कंडीशन क्या है कि 8 घंटे रोज काम करने वाला, अब भाई 8 घंटे जो आदमी रोज काम करेगा उसके हिसाब से कितने दिन चाहिए कि काम तो 24 घंटे करना है। तो आपने जैसे हिसाब लगाया तो आपके सामने दिन निकल के जो आया वो निकल के आया 3 दिन। 3 दिन में ये अपना पूरा काम फिनिश करेगा, और 3 दिन हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बेटा क्वेश्चन का आंसर कैसे अप्रोच करना है ये आपको समझना होगा। तो आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ना है। तो ठीक है, आप लिखिएगा, फिर हम इसके आगे और आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्लियर, अब आगे चलते हैं। अब यहां पढ़ो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का एक काम को 20 30 और 60 दिन में कर देता है। एक मेल एक फीमेल और एक बॉय काम को 20 30 और 60 दिन में पूरा करता है। काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष और 8 स्त्रियां 7 मिलकर कितने लड़कों की जरूरत होगी। तो सुनो, जैसे बोला वो बात की बात है, पहले आप इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी निकालो। तो 20 30 60 का एलसीएम कितना आएगा 60। तो ये कितना आया बोलो 3 काम। एक फीमेल कितने काम कर सकती है 2 काम, और एक लड़का कितने काम कर सकता है 1 काम। अब इन सब ने काम करना स्टार्ट किया, अब 2 दिनों में काम खत्म करना है, मतलब काम हमारे पास 2 दिन का ही है। तो आपने बोला कि भैया काम 2 दिन का ही है तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 करो,
और काम दो दिन में फ्री करना है कितने लोगों को, कितना काम है, 7 काम। अच्छा उसमें दो तो पुरुष चाहिए, दो तो मेल चाहिए, 8 फीमेल लेनी है और कितने अपने लड़के लेने कि काम हमारा 2 दिन में फ्री हो जाए। तो सुनो भाई, एक मेल की जो कैपेसिटी है वो 3 काम करने की है, एक फीमेल की कैपेसिटी है वो 2 काम करने की है, और एक बॉय की जो कैपेसिटी है वो 1 काम करने की। तो 3 × 6 8 × 16 प्लस एक्स बराबर, जब आपने कैंसिल किया तो 30, 16 और 6 22। तो आपने जैसे 30 में से 22 घटाया तो बेटा आपका आंसर निकल के आया 8। और 8 आपने बोला कि हमें लड़कों की आवश्यकता होगी जिस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आपको ये समझना होगा कि डेटाओं को किस तरह से पढ़ना है। डेटा पढ़ना आपको यदि समझ में आया तो आप हर क्वेश्चन को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन आएगा। चलो अब आगे देखते हो, अब आगे क्वेश्चन को देखें तो एक पुरुष एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला, एक मेल और एक फीमेल किसी काम को 8 दिन में फ्री कर सकते हैं। पहला लैंग्वेज यही है। फिर बोला गया कि एक मेल उस काम को अकेले 10 दिन में समाप्त कर सकता है। एक मेल अकेला उस काम को करता तो उस काम को 10 दिन में समाप्त कर देता। तो बोला गया कि एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ। तो एक फीमेल के बारे में आपसे पूछा गया, आप 8 और 10 का एलसीएम लोगे, वो एलसीएम कितना आएगा आपका, 40। 8 और 10 का एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका, 40। जैसे आपका एलसीएम 40 आया, आपने 8 का भाग दिया, 5 काम निकल के आए, 10 का भाग दिया, 4 काम निकल के आए। अब सुनो, यदि दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो आपके सामने ये सीन आ गया कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 होगा, बट एक अकेला उसमें तो 4 ही काम कर सकता है। तो डेफिनेटली फीमेल वाले केस में उस फीमेल ने कितना काम किया होगा, 1 काम किया होगा। अब आप बोलोगे एक काम करने वाला कितना टाइम लेगा, काम 40 करवाने हैं। तो भैया बहुत ही सिंपल बात है, तो आप बोलोगे कि टाइम जो लगेगा, यदि वुमेन टाइम को काम को करेगी तो उस काम को फ्री करने में टोटल जो है वो 40 दिन लेगी। तो टोटल 40 दिन हमारे कंज्यूम होंगे क्वेश्चन को, मतलब इस काम को करने में। तो उम्मीद रखता हूँ कि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था और आप सब लोगों ने क्वेश्चन देखते तुरंत सोल्व कर दिया होगा, और इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है सी। तो फटाफट क्वेश्चन का आप आंसर लगाओ, सी आंसर इज द राइट आंसर। बी के शर्मा, बिल्कुल भाई सी ही आंसर आएगा, राइट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ए और बी किसी काम को 20 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करें तो कितना काम बचा रह जाएगा। तो सबसे पहले बेटा एलसीएम लेंगे, वही 40 आपका टोटल काम निकल के आएगा। यहां 2 काम कर सकता है और ये 1 दिन में 1 काम कर सकता है। अब क्वेश्चन ने बोला कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। अब भाई ए और बी ने 5 दिन तक काम किया तो ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा। तो 2 × 1 कितना काम हुआ, 3। तो 3 को 5 से करो, गुणा करोगे तो 15 काम, 15 काम आपके टोटल कवर हुए। टोटल आपके जो कवर हुए वो कवर वर्क जो है वो कितने बेटा, 15। अब 15 वर्क कवर कर लिए, कितने में से, 40 में से। तो आपसे पूछा रिमेनिंग, आपसे पूछा गया रिमेनिंग वर्क क्या है। तो भाई रिमेनिंग वर्क जब आपसे पूछा है तो 40 में से आप 15 घटा दो ना, तो 40 में से 15 घटाओगे तो 25,
तो बोलोगे 25/40, और 25/40 का मतलब है 5/8, तो 5/8 आपका रिमेनिंग है। ध्यान रखना, यदि आपने 5/8 नहीं लिखा तो हो सकता है तुम 15 की जगह 15/40 लिख दो और 3/8 लिख दो, और 3/8 लिख दोगे तो मामला गोल हो जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो आपका आएगा ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन में आपका साफ साफ 5/8 मेंशन है। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो, फिर हम और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा वो आप पढ़ो कि कुल राशि में ए को 21 दिन की मजदूरी और बी को 28 दिन की मजदूरी दी जाती है, दोनों को उसी राशि से कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है। मतलब ए किसी काम को 21 दिन में करता है तो बी उसी काम को 28 दिन में करेगा। अब इकट्ठा पूछा गया दोनों मिलकर, तो भाई सिंपल बात है, आप इसका क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। जब एलसीएम ले लोगे तो आपका जो एलसीएम आएगा 7 * 21 और 7 * 28, 4 * 3 = 12, 5 * 3 = 84, तो आपका जो टोटल एलसीएम आएगा वो आएगा 84। अब 84 वर्क को करने में ये 21 दिन लेता है, तो 21 * 4 = 84, और ये इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो भैया इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे 8 * 24 = 28 * 84, तो दोनों ने मिलकर 4 * 3 = 7 काम किया। 7 काम करके कितना टाइम लेंगे कि काम करना है 84, तो टाइम हमारे जो सामने आया 84/7 और आपके सामने आया 12, मतलब यदि वो मिलकर काम करते तो उनको 12 दिन की मजदूरी मिलती। कितने दिन की मजदूरी मिलती, 12 दिन की मजदूरी, और 12 दिन की मजदूरी हमारे कौन से ऑप्शन में, हमारे डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसी प्रकार की, ठीक है, चलो इसको लिखो फिर अमन और आगे बढ़ते। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, एबीसी ने मिलकर 150 रुपए का काम करने का ठेका लिया, कि तीनों ने बोला कि हम किसी भी काम को कितने रुपए में कर लेंगे, 150 रुपए में। अब क्या बोले, जबकि ए और सी ने 94 रुपए लिए, ए और सी ने 94 रुपए लिए, बी और सी ने उसमें 76 रुपए लिए, तो बताओ सी अकेला कितने रुपए कमाता है। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल बात है, आप दोनों को जोड़ दो, जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास डेटा एबीसी प्लस सी आएगा। अब जब आप इनको जोड़ेंगे तो 6 * 4 = 10 और 9 * 7 = 16 = 17, 170 रुपए आया, जबकि इसका जो डेटा है वो तो 150 रुपए है। अरे 150 रुपए ये जब लेके जाएंगे तो साफ साफ है तो सी कितने रुपए लेके जाएगा, 20 रुपया। और क्वेश्चन ने जो पूछा है यही तो पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने रुपए में कवर कर लेगा, तो वो आपका आएगा सी, सी ऑप्शन मतलब 20 रुपया। डी कहां से आ गया, सी तो आएगा। क्या आपको बात क्लियर हुआ भाई, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि पी और क्यू मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं और क्यू और आर 15 दिन में कर सकते हैं और आर और पी 20 दिन में कर सकते हैं। देखो भाई पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, ये 3 पॉइंट है। पी प्लस क्यू 12 दिन में, ये आपके 15 दिन में और ये आपके 20 दिन। सबसे पहले आप इसका क्या लोगे, एलसीएम, तो ये आएगा आपका 5, ये आपका आएगा 4 और ये आपका आएगा 3, तो सबका अपना अपना इंडिविजुअल वाला पार्ट कवर हो गया। अब भाई जब सबने अपना अपना इंडिविजुअल वाला पार्ट कवर कर लिया तो क्वेश्चन ने पूछा पी अकेला, तो पहले एक बात देखो, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपके पास है 2PQR और जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो वो आपका आएगा 60/5 * 9 = 9 और 3 = 12 का 60/12 = 12 × 5 = 60। और तो सिंगल PQR की जब आप बात करेंगे तो वो 5 * 2 = 10 दिन में उस काम को फ्री करेंगे।
अब आपसे भैया पूछा है पी अकेला, तो पी का तो जब ही निकालोगे जब क्यू आर का पता हो, तो क्यू आर कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो आपने बोला कि क्यू आर उस काम को 15 दिन में फ्री करता है, तो आपसे पूछा गया पी उस काम को कितने दिन में फ्री करेगा। तो भाई क्यू का आप जब कथा करोगे तो 15 और 10 का एलसीएम लो, 30 आया, यहाँ 3 आएगा और यहाँ आपका 2 आएगा। अब 3 लोगों ने मिलकर 3 काम किया और उनमें से ही 2 लोगों ने आपका काम किया कितना, 2। तो डेफिनेटली इसने जो काम किया वो कितना काम किया, 1। तो 1 काम के हिसाब से यदि टाइम की बात करें और काम है 30, तो बनी बनाई बात है कि आपका जो टाइम लगेगा वो कितने दिन का लगेगा, 30 दिन का लगेगा। और 30 दिन हमारे कौन से ऑप्शन में, 30 दिन हमारे सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इज द राइट। तो किन किन बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है, जिन भी बच्चों का सी है, सी एकदम राइट आंसर है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। चलो अब आगे चलते हैं। 2 सही 1/4 बोला है। ए और बी किसी काम को 4 सही 1/2 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, सी और ए 2 सही 1/4 में, तीनों काम मिलकर शुरू करते हैं तो काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा। भाई सेम क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे। भाई ए और बी ने उस काम को 9/2 घंटे में किया, बी और सी ने उस काम को 3 घंटे में किया, और सी और ए ने उस काम को 9/4 घंटे में किया। अब आपसे बोल रहे काम कितने समय में खत्म हो जाएगा यदि काम तीनों मिलकर एक साथ करें। तो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आपका आएगा 9, यहाँ भाग दोगे तो 2 काम, यहाँ भाग दोगे तो 3 काम, और यहाँ भाग दोगे तो 4 काम। अब बेटा जब रिजल्ट को जोड़ोगे तो 2a+b+c आ रहा है, और यहां जब आपने तीनों को जोड़ा 4 3 7 2 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो 9 आ रहा है, तो अब तुम बताओ और काम में कितना है 9, तो तुम बताओ यदि एक बात करे जाए यहां तो डेटा आपका ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, एक सेकंड देखते हैं। 4 × 8 9/2 और 3 घंटे में, 3 घंटे में तो यही आएगा, और सी और ए काम को 4 × 8 9/4, ठीक है कोई बात नहीं है। अब तुम बताओ कितना टाइम लेगा। अब 2a+b+c के हिसाब से यदि आप टाइम की यदि बात करें तो 18 काम कर सकते हैं, को 9 काम करेंगे तो तुम बताओ टाइम के हिसाब से यदि तुम देखोगे तो ये तो पूरा भैया आधा घंटा लिया, और आधा घंटा लिया तो आधा घंटा ही आएगा। तो आधे घंटे का मतलब है आप बोलोगे 30 मिनट में काम फ्री हो जाएगा, और 30 मिनट ऑप्शन में नहीं है, तो एक काम कीजिए किसी एक ऑप्शन को काट कर आप 30 मिनट मेंशन कर लीजिए, क्योंकि या तो आपका जो 3 घंटे ले रखा है यहाँ पर कोई आंकड़ा चेंज है, और यदि ये आंकड़ा चेंज नहीं है, यदि यही आंकड़े हैं तो आपका ऑप्शन काट कर आप घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो और बोल दो भाई 30 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि काम हमारा आधे घंटे में पूरा हो रहा है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही है, कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार का, कि आपने बोला कि 4.5 काम, 4.5 काम, 1 मिनट रुको कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने। लो गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ हो ही गया ना, सुनो। भाई ये स्ट्रक्चर आ गया तो देखो गड़बड़ी क्या कर दी, 2a+b+c इधर को आपने देखा कि क्या बोला, बोलो 9/9 एक घंटे पर, a+b+c में 2 का भाग थोड़ी देंगे भाई, डबल हो जाएगा ना, तो कुल मिलाकर आपका आएगा 2 घंटे आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं, आपका 2 घंटे का मतलब है बी ऑप्शन इज द राइट, बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि 2 आदमी किसी काम को यदि 4 दिन में करेंगे तो 1 आदमी 2 दिन थोड़ी करेगा, 4 दिन 8 दिन में करेगा। तो मैंने गलती वही कर दी कि आपका 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग नहीं देना था आपको, 2 से गुणा करना था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आया वो आपका निकल के आया 2 घंटे, और 2 घंटे आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो अब और आगे देखते हैं, अब देखते हैं ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है।
ए और बी 8 दिन में कर सकता है, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 8 से ही 4/7 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 32 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरह आप एक बार उसको ट्राई करो, सेम केवल डेटा चेंज है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ओनली डेटा चेंज है। तो आप क्वेश्चन नंबर 32 की तरह आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, एकदम चेंज है, कुछ भी अलग नहीं है। ए और बी 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, सी और ए और सी एबीसी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, 3 दिन में काम का कितना भाग खत्म होगा। तो चलो जो चेंजेस किया है, चेंजेस के लिए हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब जैसे कि आपने पढ़ा कि यार ए और बी मिलकर काम को 72 दिन में, बी और सी मिलकर काम को 120 दिन में, और सी और ए मिलकर उस काम को 90 दिन में, तो आप इसका क्या लोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका? 360। अब भाई भाग दो, यहाँ तो 5 बार जाएगा, यहाँ 3 बार जाएगा, और यहाँ आपका 4 बार जाएगा। अब जैसे आप डेटा को जोड़ोगे 2a + b + c, तो आपने इनको जोड़ा तो ये डेटा निकल के आपका 12। तो 360/12, और इस प्रकार आपका काम निकल के आया 30 घंटे का। पर जब दोनों मिलकर काम को करेंगे तो दोनों मिलकर उस काम को 30 × 2 कितने घंटे में कर देंगे? 60 घंटे में कर देंगे। आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 3 दिन में ये सब काम दिनों में चल रही है, तो 60 दिन बोल दो भाई, दिनों की बात चल रही है तो आप इसकी जगह दिन बोल दीजिए, ठीक है? और दिन बोलोगे तो 60 दिन में, ये 30 दिन में। अब क्वेश्चन बोला कि 3 दिन में काम का कितना भाग फ्री होगा? अब तुम बता, जो काम 60 दिन में हो रहा है, अब तुम बोल रहे 3 दिन में कितना फ्री होगा, तो 3 दिन में कितना काम होगा, तो उसका 1 दिन का 1/60 भाग और 3 दिन का 3/60 भाग, तो बोलो कितना काम होगा? 1/20। और 1/20 आपके कौन से ऑप्शन में? आपके सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज द राइट, तो सी ऑप्शन में आपका दे रखा है 1/20। तो उम्मीद रखता हूँ कि बेटा आपको जो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने देखे, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से। तो आप इन क्वेश्चनों को बार बार सोल्व करो, रिपीट करो और ट्राई करते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और आते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। एक ही तरीका की क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में आपको यदि अच्छी नॉलेज जनरेट करनी है तो उसका बहुत ही बेहतरीन तरीका एक ही है कि केवल क्या करो आप प्रैक्टिस। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप रिजल्ट निकाल पाओगे। ठीक है बेटा, इसी के साथ हम आज के सेशन को करते हैं एंड। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।